ऐसे ही आप सोचते हो कि सब सही एकदम परफेक्ट है, बारिश आके ऐसे ऐसी कर देती है, यही पहाड़ है। मतलब आज मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हो रही है व्लॉग के लिए, वैसे मैं उठ गया था और जॉगिंग के लिए गया था और वापस आके मैंने थोड़ा सा जो ब्लॉग था पिछला वाला जो व्लॉग है उसको एडिटिंग पे लगा के अभी रेंडर पे डाल दिया है और आपको दिखाते हैं अभी माहौल क्या है। डोंट जज यार, एकदम बॉयज हॉस्टल के कमरे की तरह लग रहा है। अगर जो जो बॉयज हॉस्टल में रहे हैं वो समझ जाएंगे। और दिन का बड़ा टास्क आज कपड़े धोने हैं, लॉन्ड्री बैग एक होटल से चुराया हुआ है बट वो चीज़ अलग है, इसके अंदर जो सामग्री है उसे धोना है आज। चलिए यार अपन धोबी घाट जाते हैं अपने जिंदगी के, और आप भी कुछ ना कुछ कर ही लीजिए आज। चलिए टुडे इज वन ऑफ दोज डेज, वो वाले नहीं होते हैं दिन जिसमें आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता और फिर भी आप थक जाते हो, तो आज मेरा वही हो रखा है सुबह से। मैंने ऐसी कोई तोप चलाई नहीं है बट वो हो रहा है ना कि गुनाह आपका एकदम जेब कतरे वाला और इज्जत भगत सिंह वाली खुद की नज़रों में, तो वही हो रखा है मेरे साथ आज कि बट फाइनली आई विल डू समथिंग यार, मतलब दिस इज टू मच। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई खाना वाना खा लिया है, अभी थोड़ी देर बैठेंगे। कैस्पर क्या हाल है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ हाँ? अरे हुआ क्या तो बताओ, क्या चाहिए, क्या क्यों परेशान हो जिंदगी में इतना। इनको ना सारा दिन कोई कडल उडल करता रहे तो सही है। क्या हुआ, क्या हुआ हाँ? सो जाओ। हेलो, सो यार मैं अभी बाहर आया हूँ, लुक एट द व्यू यार, आई स्वेयर इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। इट्स स्टिल रेनिंग सो आई कांट गो एनीवेयर, सो सारे प्लान पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो बट लुक एट दिस, आई मस्ट शो यू। बात ऐसी है कि हम ना इंसान और स्पेशली बीटेक वाले लड़के हम होते एक नंबर के ढोंगी, तो जब हम होते हैं घर पे तो हमें क्या चाहिए होता है, सोलो ट्रिप, पहाड़ों में जाएंगे, मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब देखो भाई मौसम एकदम शानदार है, बादल ऑलमोस्ट फेफड़ों में घुस चुके हैं, चाय मैंने बना लिया है, मतलब परफेक्ट है सब कुछ, बट कमी क्या है, अब मेरे को याद आ रही है घर की, अब मेरे को चाहिए मम्मी का हाथ का खाना या फिर मम्मी के हाथ के पकौड़े। तो अब वही है कि जो चीज़ नहीं है वो साली हमेशा चाहिए होती है, मसला यही रहता है कि घर पे हैं तो बाहर जाना है, बाहर हैं कुछ दिनों के बाद, जैसे मैं साल में 250 दिन ट्रैवल करता हूँ, तो अराउंड 250 डेज ऑफ ट्रैवल एंड देन आई मिस होम, और जब मैं घर पे अगर साला 10 दिन रुक जाऊँ तो मुझे ट्रैवल करना होता है, तो यार ये मसला ना समझ में नहीं आता हमें। यही हमारे क्लास में होता था कि मतलब ऐसे क्लास में नहीं होता था यार, क्लास में हमें जाने कब होता था, मतलब ऐसे पढ़े रहते हैं, मैं मैकेनिकल वाला टिपिकल आदमी, तो जो जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो समझ सकते हैं कि भैया क्या ही करा है हमने जिंदगी में, क्या ही करा है। हेलो, सो यार आई टुक ए स्मॉल नैप और अभी एकदम ताजा तबीयत हो चुकी है और अभी थोड़ा सा काम करने बैठेंगे, तो आज मैंने एक छोटा सा सेटअप किया है और ये है मेरा वर्क स्टेशन आज के लिए, ये चाय की केतली, दैट्स माय आईपैड, क्योंकि मेरे को लैपटॉप पे कनेक्शन मतलब वायर्ड करके ही देना पड़ता है, छोटा सा स्पीकर एंड दैट्स माय ग्रीन टी मग, ये फाइनली ब्रू हो गई है 3 मिनट के लिए जो मैंने रखा था, और ये है भैया सामने नज़ारे, अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, और इतने में मैंने वीडियो अपलोड के लिए लगा दिया है, वो हो रहा है और हम जाके इस आलीशान सी गद्दी जो दिख रही है हमारे लिए गरीबों की उसके ऊपर जाके टिका लेंगे। ये आप सोचते हो कि सब सही एकदम परफेक्ट है, बारिश आके ऐसे ऐसी कर देती है, यही पहाड़ है। मतलब नेटफ्लिक्स चालू कर दिया था ऑलमोस्ट,
वी लोग अपलोड पे लगा दिया है, चाय लेके गाने बजा रहा था हल्के हल्के, एकदम मतलब माहौल बना हुआ था, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, बहुत तगड़ा मौसम, सब कुछ परफेक्ट, पर ये होना शुरू हो गया, पानी अंदर आना शुरू हो गया, तो वो तो यार बनता ही है थोड़ा सा। तो चक्कर आ जाएंगे यार, इससे कुछ याद है, झूले कुछ मेले में जाते थे, तो जब हम मेले में जाते थे छोटे होते थे, तो मेरा फेवरेट झूला था वो नाव वाला, देयर टू बी ड्रैगन एट टाइम्स, मतलब ऐसे जो झूलता था, और बस ड्रैगन का जो मुंह होता था एकदम कोने वाला, ऊपर चोच जैसे ये है, तो लास्ट की जो चोच होती थी हम उसके ऊपर बैठते थे, बैठते क्या थे एकदम लटक जाते थे दो हाथ पकड़ के, जैसे ही वो ऊपर जाता था उसके टिप के ऊपर दोनों टांगे ऐसे हवा में ऐसे लटकाते थे, मतलब हमें लगता था कि हमसे बड़ा कूल बंदा कोई नहीं है, और मतलब हम ही हैं बस स्टंटबाज। तो भाई बारिश तो रुक नहीं रही है, अब क्या करा जाए, दूध लेने जाना है, तो हम अपना कप कहाँ गया यार मेरा, ये हमारा वर्ल्ड कप जो आपने सेकंड ब्लॉग में देखा होगा वो लेके मैं पगडंडी से कच्ची पक्की होते हुए दूध लेके आ रहा हूँ अभी। भाई जिंदगी में ना टास्क अलग लेवल के हो चुके हैं मेरे, चलिए चलते हैं दूध लेने। टड़न टड़न, ओह अंधेरा ही अंधेरा, पत्ती जल जाओ ये यार, आपके साथ नहीं होता कि आप जो चीज़ें सोचते हैं जैसे प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है। तो जब मैं शुरू कर रहा था ना व्लॉग, तो मेरा ये था कि भाई एकदम अल्टीमेट ड्रोन फुटेज लूँगा, यहाँ जाऊँगा, फुल एडवेंचर मारूँगा, बट रियलिटी चेक, दूध लाते टाइम बारिश के अंदर रेन कवर पहन के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये असलियत, और एडवेंचर एडवेंचर यही है बस। चलो भाई अब ना मैं फिसल के जाऊँगा गिर, तो इसलिए अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अब सीधा जा रहा हूँ वापस। चलो तो भाई बात ऐसी है कि आज ऐसा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि होता है वो एक आधा दिन लाइफ में जिसमें यू डोंट डू मच बट यू स्टिल एंजॉय इट, तो आज वो वाला दिन था ये मान लो तो। बट हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को फैला दीजिए बात को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, कोई जबरदस्ती है नहीं वैसे। चलिए बाय, गुड नाइट, सोया जाए।